इतना मस्त मोमेंट था ना हमारे लिए, लाइक होता है ना जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप अगर दीपक भैया आमोद भैया जा रखे हैं मार्केट साइड, क्यों? क्योंकि उनको उनके बालों का जो रबड़ है वो भूल गए। What's up everyone? This is another vlog और स्वागत है आपका अनिरुद्ध व्लॉग्स में। अभी हम लोग हैं आशीर्वाद होटल, आपको बताता हूँ क्या है। वी आर द गेस्ट। ये लोग पता नहीं कहाँ एक्साइटेड हो, पता नहीं कहाँ खो रखे, लेकिन हाँ हम लोग को एक पार्टी में बुलाया गया है एज अ गेस्ट, तो बहुत ही ऑनर वाली फीलिंग आ रही है इस वक्त। और हमारे दोस्त आ चुके हैं शायद हमें लेने। ये देखो जब आपको लोग लेने आते हैं ना तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अलग फील होता है इस वक्त। ये देखिए पीछे हेलो व्हाट्स अप मेरे भाई, ऐसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो ये लोग हमें लेने आए हैं, पता नहीं कहाँ लेने आए हैं। अरे अरे सर ऐसे हो? कैसे? बढ़िया। हाय बोल दो। हेलो सर। चलो चलो फिर ले चलो हमें हमारी मंजिल की ओर। भैया कहाँ जा रहे हो? सर भाई इतना श्रीनगर में 36 टेम्परेचर हो रखा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। अभी हुआ ये है कि दीपक भैया आमोद भैया जा रखे हैं मार्केट साइड, क्यों? क्योंकि उनको उनके बालों का जो रबड़ है वो भूल गए हैं। मतलब क्या बोले ना, रबड़ के ले गए हम। और मैं हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं जो हमको रिसीव करने आए थे, सो स्वीट। इज्जत जहाँ मिलती है ना ब्रो, वहाँ आर्टिस्ट भी खुश रहता है। तब तक बने रहिए। द बॉयज आर हेयर, फाइनली ये लोग आ गए। तो देखो गाने की आवाज़ चल रही है, दिल में धक 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 एक फीलिंग अलग होती है। अच्छा रैंप हो रहा है, तो लेट्स होप क्या होता है। सो अगेन हियर वी आर, और टीका लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। हमारे बड़े भाई और उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं दीपक नैथानी जी, आपको मैं इस प्रोग्राम में पूजा भाई जी डिपार्टमेंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारे आर्टिस्ट अनिरुद्ध चंदोला जी, आपका भी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत। तो मैं निवेदन करूँगा आपसे कि हमारे बड़े भाई दीपक नैथानी जी का बेजलग्रहण करेगा। गैदरिंग के बाद हम लोग लंच करने जा रहे हैं 2 बजे, एंड उसके बाद हमारा कुछ छोटा सा परफॉर्मेंस होगा एंड देन वी गोना रॉक। फाइनली लंच करने के बाद हम लोग फिर नीचे जा रहे हैं, एंड देन जो स्टूडेंट है वो लोग ऊपर आएंगे खाना खाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंचे हैं अंदर, और अभी हम लोगों ने लंच किया, 2 बज गए, 2 नहीं 2:30 बज गए एक्चुअली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको लिटरली, लाइक होता है ना कि आपको जब रिस्पेक्ट मिलती है एक आर्टिस्ट के लिए, सबसे पैसा तो होता ही लेकिन उसके साथ साथ रिस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ी बात है, जो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है एज अ गेस्ट हम लोग यहाँ पे आए, मतलब बहुत अच्छी जगह जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पे आपका एक अलग ऑरा होता है, राइट? और बहुत अच्छा दिक्कत है। खिरीश भाई पता नहीं कितनी बार पूछने आ गए हमारे, यही है सर हमारे, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा था खाना। बस कोई बात नहीं खिरीश भाई, जाओ आराम से जाओ, तो बस ऐसा कुछ नहीं छोड़ सकता इसका। और साथ में चंदोला जी, चंदोला जी को आप देख ही चुके हैं, स्वर सम्राट हैं,
सो हे गाइस, अगेन हम लोग पार्टी से बाहर निकले और अपना अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ बात करेंगे आमद भाई से। बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया भैया ने तो यार, क्या बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमारा तो कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, तो स्टूडेंट के बीच हम मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली, बस यही कहना चाहूंगा। और अच्छे स्टूडेंट थे भैया। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी आज के इस इवेंट में? वो जो नेचर था स्टूडेंट का, जो मतलब जूनियर्स थे, बहुत सही, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से हमें मतलब बुलाया। हमारे बीच थे भैया आमोद भैया, और काफी इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको जरूर दूंगा, आप इनको भी जरूर सपोर्ट करना, क्योंकि आर्टिस्ट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। वही है ना कि वो अपना टैलेंट जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक कुछ पता चलेगा नहीं, है कि नहीं? तो टैलेंट दिखाने के लिए लोगों का आना बहुत जरूरी है। सो अब मैं ले चलता हूँ आपको दीपक नथानी भैया से, क्योंकि ब्लॉग में ज्यादा बोलते नहीं है, बोरिंग हो जाता है, तो मैं सिंपल एक बात बोलूंगा खाली कि बहुत मजा आया वहाँ पर। और फर्स्ट टाइम मेरा जज वगैरह तो मैं पहले ही बना था, लेकिन चीफ गेस्ट में मेरा फर्स्ट टाइम था, और हमने काफी इंजॉय किया अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज अपने स्टूडेंट्स जो हमारे जूनियर थे उन्हीं के बीच में चीफ गेस्ट बन के जाना एक प्लेजर की बात है। बिल्कुल सही है, अच्छा लगा। बाकी अनुभव जी बताएंगे आपको। तो बस इसी का आपने देख लिया होगा व्लॉग, और इतना मस्त मोमेंट था ना हमारे लिए। वो लाइक होता है ना, जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जब आपको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है इवेंट में, तो आपकी एक फीलिंग अलग होती है। भले ही हम उस मुकाम जिस मुकाम पे भी हैं आज, लेकिन फिर भी जैसा भी है। तो बस इसी के साथ हम व्लॉग का एंड पार्ट करते हैं, एंड जाते जाते हम कहेंगे कीप स्माइलिंग स्टे म्यूजिकल, बाय बाय। कीप स्माइलिंग स्टे म्यूजिकल, एक बार फिर जा आप जाते 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 हम बोलेंगे कीप स्माइलिंग स्टे म्यूजिकल। क्या अंग्रेजी बोल रहे हो यार भाई, ढंग से। मैं कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग।